अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरे से होंगे। बहुत सारे लोग काफ़ी दिनों से मुझे मैसेजेस कमेंट कर रहे थे, कॉल करके कह रहे थे कि भाई कुंडी नस्ल 200 जत की जो ब्रीड है वो दिखाएं। तो आज हैदराबाद एक्सपो में आपको 200 जत की जो ब्रीड है वो आपको दिखा रहे हैं, और 200 जत भी यहाँ पर मौजूद है। हमारी खुशनसीबी है कि 200 जत भी यहाँ पर मौजूद हैं, और उनसे भी कुछ बात करेंगे और स्टॉक के बारे में जो है उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। अच्छा, उनको उर्दू थोड़ी कम आती है तो हम कोशिश करेंगे। हाजी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, हाजी साहब इसकी ट्रांसलेट करके बताएंगे। आपको मैं बताता चलूँ कि जब कुंडी का नाम आता है तो सबसे पहले 200 जत का नाम आता है, क्योंकि पाकिस्तान में कुंडी को जो कामयाब करने वाला है वो जो है 200 जत है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है दोस्तों साहब? सर जी, आपकी जो नस्ल है, जो भैंसे हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, पूरे दुनिया के पता नहीं कहां कहां से लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि 200 जत की जो कुंडी ब्रीड है, बन्नी जिसे कहते हैं, बन्नी भैंस, ये इसकी वीडियो में लाजमी दिखाएं। तो माशाल्लाह से आपका जो माल है और आपका जो नाम है पूरी दुनिया में मशहूर है कुंडी ब्रीड के हवाले से। तो ये बताएगा कि कब से शौक कर रहे हैं आप जरा कुंडी का, जरा ये बताएगा। 200 साल। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र थोड़ी है, हमारा मैं बात करता हूँ, उसके अंदर से बात करें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी भाई। मेरा नाम रज़ाक है, मैं 200 के साथ रहता हूँ। ये बनी नस्ल की स्पेशल भैंसे हैं। बिल्कुल, बनी वो इलाका है जिसको, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, आप ही साथ आएगा। अच्छा, 200 को उर्दू थोड़ी कम आती है, यहाँ आएगा, बस साथ होगा, आप भी साथ आ जाएगा। अच्छा, 200 को थोड़ी कम आती है, तो रज़ाक भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें डिटेल बताएंगे, इसकी हिस्ट्री बताएंगे, और 200 साहब का जो शौक़ है वो भी बताएंगे कब से कह रहे हैं। 200 साहब के मुताबिक ये 200 साल से शौक़ कह रहे हैं, माशाल्लाह से इनके आबाओ अजदाद इंडिया से पहले से जो है इसके शौक़ को इन्होंने जारी रखा हुआ है। और रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताएंगे मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम रज़ाक भाई। वालेकुम सलाम। ये जो 200 साल की बात करें ये सही है, क्योंकि ये अबा अजदाद से जो है ये काम करते रहते हैं। ये इंडिया के साइड में गुजरात साइड, ये जो कच्छ भुज वाली साइड है वहाँ पे दादे आदम जी बनी, जिसको फिर उर्दू में बनी कहने लगे, वहाँ की भैंसें जो हैं वो वर्ल्ड वाइड मशहूर हैं। सही। तो ये जब पार्टीशन हुई 47 की जी, उस पार्टीशन में ये जब वहाँ से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए तो अपने साथ जो है वो भैंस का वो नस्ल लेके आए। सही सही। फिर इसका बड़ा जो भाई था सिद्दीक जत जी, वो भी बहुत बड़ा भागिया था। सही। और उसने आके उसको जो है इस ब्रीड को फैलाया। सही। और 200 उसके साथ होता था, छोटा होता था, उससे उसने सीखा, साथ हो गया। अब जो सिंध में इस नस्ल की भैंसे हैं वो ऐसे हम कह सकते हैं कि केटी बंदर से लेके कश्मीर तक, मीरपुर माथेलो से लेके कराची तक, जो भी सरदार वडेरों के पास ये ब्रीड खड़ी है वो इस गरीब से आई है, इसने मेहनत की है। बिल्कुल रज़ाक भाई, हमारे सिंध में लीजेंड दो नाम आते हैं, एक सारो संघार जो हमारा एक छोटा सा बच्चा औरत उसकी बात करता है कि भाई भाग्या कोई हो तो सिंधी में मैं इसको फिर उर्दू में ट्रांसलेट करता हूं, तू तो को सारो संघार आई जी, यानी वो इतना बड़ा भाग्या था। सही। उसके बाद 200 का नाम भी ऐसे है, ये अंगूठे छाप अनपढ़ा बंदा है लेकिन भैंसों में ये मास्टर रखता है, बिल्कुल PhD रखता है। इसकी भैंस जो है वो गुलाज डायरी से लेके एहसान भुरगड़ी के वाड़े तक, अरबाब इनाम से लेके मलक असद तक, और जो भी सिंध में साहिब हैसियत लोग हैं उनके पास इनकी जो है नस्ल गई है। और जहाँ भी आप पूछेंगे या जो भैंसों में जो भी कुछ जानता है तो ये जो पाकिस्तान में नस्ल है उसका जो ट्रेडमार्क है वो 200 के नाम से ही बिल्कुल जाना बिल्कुल जाता है, और ये बंदा आपके साथ खड़ा। बिल्कुल, ये मैं कुंडी की, मैंने बहुत सारी जो है नस्ल की ब्रीडर्स की जो फार्मर्स हैं उनकी वीडियो बनाई, एहसान भुड़गिरी की बनाई मैंने, अपना कुंडी से आगे उनका है सुमार चांडी उनके पास जिसके बाद किया, कुंडी का नाम उन्होंने बाद में लिया, पहले 200 जत का नाम उन्होंने लिया। मेरा प्लान था हाजी साहब के साथ कि 200 साहब के पास चक्कर लगाया जाए, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज यहाँ पे मौजूद हैं तो हमें खुशनसीबी, और रज़ाक साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो इनके साथ होते हैं। यू आर वेलकम, आप आ जाएं, हम शादीलाल में आपको सब मिलेंगे। सादा बंदा है,
पर दिल साफ बंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसने बहुत शौक जो किया है अच्छा किया है, भैंस उस वजह से इसकी मशहूर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, जो भैंस है इसकी अच्छी है। अच्छा जी जी, जो ही भैंस दिए एक नस्ल एक नंबर दिए बिल्कुल। अच्छा मैं आपका चैनल देखता रहता हूँ, मैं इसकी विजन की बात करता हूँ, ये एक अनपढ़ बंदा है लेकिन इसकी विजन, इसकी दो छोटी बच्चियाँ थी भैंसों की, तो उसमें इसने नाम रखे एक का घूनी और एक का पिंजारी। तो मैंने इससे पूछा, मैंने बोला दोस्तों ये इनका नाम क्या है, बोला ये घूनी है ये पिंजारी है। तो मैं हैरान रह गया कि भाई एक बंदा उसको इतना बड़ा विजन कैसे आया। आपने घूनी और पिंजारी देखा होगा, हैदराबाद में आते हैं टनोबामा खान से, तो दोनों ये बड़ी नहरें हैं जो डिस्ट्रिक्ट ठटरा और बदीन को सिराब करती है, टनो मामा खान सिजावल ये चार जिलों को जो है वो सिराब करती है। सही। तो इसका जो विजन देखो कि उसने, मेरे ख्याल में ये आया होगा कहीं हैदराबाद, तो पूछा होगा इसने ये कौन सी नहरें हैं, तो उन्होंने बताया ये जो है ये घुनी है ये पिंजारी है, उसने दो भैंसों पे नाम रखे। जबरदस्त। तो ये नाम रखने का बड़ा जो है ना वो मास्टर है। अच्छा अच्छा, अच्छा एक बात में, अच्छा ये मिसाइल देखो, मिसाइल पार्टो लास्ट है, मिसाइल टेक्नोलॉजी अब लास्ट है कि भाई हजारों मीटर से दूर जाके फायर करो तो मिसाइल जाके वहाँ लगता है। सही है। इस बंदे को तो उसने टेक्नोलॉजी तो नहीं पढ़ी है, लेकिन उसने पता नहीं ये उस्ताद है, मतलब दोस्तों उस्ताद है, तो उसने मिसाइल नाम रखा। तो ये इसका अपना विजन है। आप अच्छा हमारे जो व्यूअर्स है वो आप साथ ही खड़ेगा, कुछ आपके अल्फाज कुछ कहना चाहें, कुछ भी कहना चाहें आप, आपकी जो है जबान से वो सुनना चाहते हैं, सिंधी हो फारसी हो अरबी हो इंग्लिश हो, आप क्या कहना चाहेंगे जो आपकी वीडियो देख रहे हैं और इस शौक को जो है आपका संभाला हुआ है। सबसे पहले तो सब दोस्तों की तरफ से जो आपकी वीडियो देख रहे हैं सबकी तरफ से मैं आपको सलाम करता हूँ, जो आपने मेहनत इस कुंडी ब्रीड के ऊपर की है ये सलाम आपको पेश किए जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे, कुछ भी आप कहना चाहेंगे अपनी नस्ल के बारे में जो वीडियो देख रहे हैं। शौक तो साल गुजरा मुझे अबे डाढ़ेगा वो मुँह कहे मुझे टीह साल चले शौक में नस्ल जो को भी है मुझो सब मुझो है। सही। हाँ ये कह रहे हैं नस्ल जितनी भी आई है पूरे पाकिस्तान में वही के नाम से आ रही है ना, ये बात हकीकत है, आपको कहने की जरूरत नहीं है। जिस जिस शौकीन के पास मैं गया हूँ उसने आपका नाम ही लिया है कि जी कुंडी नस्ल जो हमारे पास मौजूद है वो दोस्तों की मेहरबानी है कि उसकी वजह से उसने हमेशा चीज़ बांटी है ताकि शौक आगे बढ़े और जो साहिब हैसियत लोग हैं वो इसको शौक करके इसमें मजीद जो है इसकी नस्ल में इजाफा कर सके। करोड़ तक इसके भैंस गई है। अच्छा हाँ, मैंने एक अरबाब साहब से शायद आपने ली थी 18 भैंसें ली थी और शायद एक भैंस दी थी, उसकी रजाक भी थोड़ी सी बताएगा कहानी क्या थी। भाई कहानी ये थी कि इसकी भैंस थी और उसका जो टेल था वो भी कटा हुआ था, इसने अरबाब साहब से सौदा किया, 50 लाख का कोई सौदा तय हुआ। सही। तो फिर अरबाब साहब ने जो इनाम, अरबाब इनाम हमारे बड़े हैं वो हमारे साथ भी होते हैं, वो जैसे हमारे बड़े हैं हमारे उसके ही हम साथ रहते हैं ये एरिया उनके वो नवाब हैं, तो फिर उस दोधारू फार्म वाले ना। हाँ दोधारू फार्म वाले नवाब अमीर सन उसके वाले साहब थे, वो MNA थे और उसके अंकल जो थे CM सिंह थे अरबाब रहीम साहब। जी जी। तो फिर उसने जो है ना 20 पे तय हुआ था सौदा, फिर 200 गया उधर तो दो भैंसें जो है वो 200 ने छोड़ी और 18 भैंसें ली और दो भैंसें ली। अकॉर्डिंग टू ब्यूटी इन दी वर्ल्ड द बफेलो 200 इज द नंबर वन, देयर इज नो मोर ब्यूटीफुल बफेलो इन द लैंड होल ऑफ द यूनिवर्स। बिल्कुल बिल्कुल। इन बनी नस्ल इन कच्छ इन इंडिया देयर इज नो कंपैरिजन टू 200। बिल्कुल ये बात। ही इज अ मास्टर, ही इज अ एवरग्रीन एंड ही इज अ अनएजुकेटेड पर्सन एंड बिल्ट अप हिज करियर इन द फील्ड ऑफ बफेलो, सो वी कैन से दैट ही इज द फादर ऑफ द ब्यूटीफुल बफेलोज इन सिंध, एंड दिस इज द प्राउड फॉर मी एंड दिस इज द प्राउड फॉर द होल ऑफ आर सिंध। अच्छा एक चीज़ माशाल्लाह बहुत जो बात आपने की बिल्कुल दुरुस्त है, दोसू का नाम हमेशा टॉप पे लिया जाएगा जब भी भैंसों की बात आएगी और हमारी दुआएं के मज़ीद कामयाबी हासिल करें। रजाक साहब आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप मुझे इनके बहुत क्लोज जो है इनके साथी लगते हैं, दोसू में आप क्या क्वालिटी देखते हैं कि इसकी जो मशहूर हुआ जो इसकी
क्वालिटी है, इसकी नेचर है कि जो इसने अपनी नस्ल आगे बांटी, क्या कहना चाहेंगे जो इसकी कामयाबी की जिम्मेवार बनी उसके बारे में? इसका रिप्रेजेंट है लतीफ़ साईं की शायरी है, कवल पाड़ूं पाताल में भंवर भिरे आकाश, बिनी संधी गालड़ी राज कांदी रास, ते इश्क के शाबास जे मोहब्बत ही मेड़िया। इसकी इसकी एक ही पॉइंट है कि इसको इश्क है इन भैंसों से। इन भैंसों के आगे इसके गरीब के घर में जाओगे ना तो दो गाड़ियां खड़ी होगी और वो मकाई डेली लाता रहता है। ये एक करोड़ में भैंस खरी अगर बेचता है तो वो एक करोड़ इन भैंसों को खिलाता है। सही, और सही। जब तक इनकी भैंसें खा पी के नहीं होती है, सैराब नहीं होती, तब तक ये खाना नहीं खाता है। ये इसकी कमिटमेंट है अपने माल के अपने शौक के साथ। उस कमिटमेंट्स में इनकी जो दुआ है बेजबान जानवरों की, उस दुआ से इसको पैसे भी मिले हैं, इज्जत भी मिली है, रिस्पेक्ट भी मिली है। पर्सनली ये इसमें एक बहुत अच्छी बात है, वो ये है कि ये साथ साथ अपना बुल जो होता है, सान जो होता है जी जी, वो किसी से भी कोई भी ले जाए, इसके कोई गरीब का बच्चा, कोई भी भैंस आ जाए, कैसी भी भैंस आ जाए, इसके बाड़े पे जाएगी तो वो बुल देगा। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि बड़े बड़े बाड़ों में जाएंगे आप, बड़े बड़े जो हैं हमारे शौकीन, वो अपना बुल जो है वो दूसरे नहीं देते हैं। तो ये भी इसकी बड़ी सखावत है। और मेन ये है कि इसका इसके अपने पेशन से, अपने प्रोफेशन से जो इश्क है, वो ये 50 लाख का 60 लाख का साल में जो है ना वो ग्रास खिलाते हैं। इसकी ज़मीन नहीं है, आप आएंगे शादीलाल के करीब तो ये है कि ऐसे ही झुपड़े में बैठा हुआ है। ये जो बेचता है दोबारा इन पे ही खर्च कर देता है। माशाल्लाह क्वालिटी, माशाल्लाह। देखें दोस्तों, आप बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई कुंडी के हवाले से, तो उन्होंने हमेशा से मुझे यही बात बोली कि दोस्तों का जो नसीब बहुत अच्छा है, और उस नसीब के पीछे जो रज़ाक भाई हमारे बहुत ही अच्छे, इनसे मिलके बड़ा अच्छा हमें लगा, और जितना प्यार इन्होंने दोस्तों के लिए दिखाया, जो इनकी के साथ दोस्ती यारी है, जो रिलेशन है वो दिखाया कि कितने सिंसियर और कितने, अभी भी देखें जमा से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा दोस्तों की, और माशाल्लाह से करोड़ों करोड़ों की भैंसें बेचते हैं और सब जो है अपने जानवरों पर लगाते हैं। यही इनकी खुश नसीबी है और जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने नाम कमाया कुंडी में बन्नी बुफालों के अंदर। और हमारी दुआएं कि आगे भी जो है इसी तरह जो है अपना नाम रखें और इनके शौक में इजाफा हो सके। और तमाम दोस्तों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हाजी अलादितो साहब का कि इन्होंने हमें टाइम दिया, रजाक साहब का और दोस्तों जज साहब का। अच्छा कबूतरी भी यहाँ पर खड़ी है तो मैं चाहूँगा कि उसको भी ज़रा दिखाया जाए। कबूतरी को लिया है ज़रा, अच्छा रजा कबूतरी की क्या मिल्किया दे, क्या कीमत है इसके बारे में थोड़ा सा बताएगा, कितने आपको पैसे लग चुके हैं इसके? 60 लाख रुपए लग गए, नहीं दिया आपने? बिल्कुल, जब ही छोटी थी, बिल्कुल छोटी थी। अच्छा, भैंस में दूध पी रही थी तभी मैं गया था, उसको मैंने कितने में दूंगा इसको, बोला इसकी बात नहीं करो, बोला 38 लाख लो। अच्छा, बोला नहीं नहीं यार। सही सही। अच्छा मिर्जा और कबूतरी दोनों भाई है, भाई बहन है? भाई बहन है, भाई बहन। अच्छा आपको मैं अभी दोस्तों की जो ब्रीड है वो भी मैं आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा रजाक साहब, वधाई एक नस्ल होती है, ब्रीड होती है, वो क्या बंदे का नाम है वो थोड़ा सा बताइएगा? बात ये है कि वधाई जो नबीसर वाली साइड है, कुंदरी नबीसर साइड, ये नौकोट से मिलती है ना जो हमारा जी जी, जो थर और बैराज का, उसको हम कस कहते हैं या मोरानो कहते हैं। सही, उसमें बनी से हट के एक वो भी है सिंधी कुंडी का नस्ल, लेकिन मिल्क वाइज वो जो है ना उसकी ब्यूटी जो है ना वो नीचे है, यानी उसका सिंधी में हम उसको ओ कहते हैं, थन जिसको कहते हैं हम, थम कहते हैं ये, वो उसमें चोरी होती है। अच्छा, तो वो वधाई हो गई। सही सही। अब ये नाम देखो ना, वधाई वगैरह, ये टोटल बफिलो तो बफिलोज है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, उसमें प्योरिटी निकालो, जैसे दोस्तों ने प्योरिटी निकाली, इसने बहुत सारे नाम रखे, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये कुंजी है, ये जो है चोरी है, ये जो टिखड़ है, ये बिट है, ये चाइना है, कबूतरी लिया, इनकी क्रिएशन है। सही, बिल्कुल क्रिएशन है वो, मैं इसके विजन को, दोस्तों के विजन को सलाम करते हैं। अच्छा दो तीन सवाल मेरे जहन में आए, जब ये पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे यहाँ पे, जब पार्टीशन के बाद, तो कितनी भैंसे ये लोग लेके यहाँ पर आए थे? ये मुख्तलिफ इनका कबीला था, सारा आया है, उधर ही बैठा है, और एक एक बंदे के पास चार चार पांच पांच भैंसे थी, सही, ये इधर आए। उस टाइम में जो है ना सिंध में जो लुआरी का माल अच्छा था, तो दोस्तों खुश नसीब ये हुआ कि वो बुल जो है वो दोस्तों को मिल गया,
अच्छा। उस बुल से जो उसने नस्ल निकाला, फिर इसने बुल भी अपना रखा और भैंसें भी अपनी रखी, आगे जाके जो है ना वो इसकी अपनी जो एक पहचान होगी। सही सही। अच्छा, ज़्यादा तादाद में जो सबसे मैक्सिमम इनकी जो बिकी हो, सोल्ड हुई हो, वो कितने पैसों में? 80 लाख की, 80 लाख की इसने भैंस जो दी थी वडेरे परियल को, वो 80 लाख तक बिकी है। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं? वो टनुजाम के साथ रहते हैं। अच्छा। उसने पंजाब में भेजी है, 80 लाख में भेजी है। अच्छा, खुद ने 60 लाख की बैग्स भेजी है गुलाम डायरी को, गुलामों में डायरी को, जो कमूरी का शौक कहते हैं, जो कमूरी का कबूतरी। अच्छा दोस्तों, ये कबूतरी आए और कबूतरी, इसका सींग देखो, कबूतरी और मिसाइल दोनों बहन भाई हैं। ये देखें, ये 60 लाख रुपए लग गए थे, लेकिन जो हमारे दोस्तों जाते हैं वो पैसे नहीं देखते, और इन्होंने अपने शौक के लिए थी तो ये इन्होंने संभाल के रखी है। और आपको जो शुरू में दिखाया था मिसाइल, वो भी जो है इसी का भाई है नस्ल के हिसाब से। अच्छा रजाक साहब, थोड़ा सा इस तरफ आएगा दोस्तों, आप भी आएगा थोड़ा सा, थोड़ी सी इसकी पहचान बताएगा पॉइंट्स के हिसाब से। भाई इसकी पॉइंट तो ब्यूटी, ब्यूटी इसकी जो है ना वो आप देखेंगे, इसकी जो ये बुथली है ना, ये है ही नहीं बिल्कुल, ये प्याले में बुथली जो है ना, ये प्याले में पीने वाली है। अच्छा, और जो इसका सींग है बिल्कुल एक ही बार आएगा यहाँ आके खड़ा होगा, और इसमें सारा इसका गुलकारी निकली हुई है देखो। सही सही, इसके पाड़े में। जी जी, मेरी कंट्रीब्यूशन ये है कि इसकी नानी जो है ना दोस्तों ने मुझे भेजी थी, और इसकी माँ, इसकी जो माँ है इसकी और मिसाइल की, वो मैंने दोस्तों को दी। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो हमारी ये भी दोस्ती कंट्रीब्यूशन एक दूसरे। जबरदस्त जबरदस्त। देखिए शौक ऐसे ही होता है, जब आपके साथ दोस्त अच्छे हों और साथी अच्छे हों तो शौक में मजीद इजाफा होता है। दोस्तों ने बड़ापन दिखाया, वो इनको दी, और फिर इन्हीं से इसकी जो माँ है वो इन्होंने वापस ली, और इस तरह क्या शौक में इजाफा होता है। और जैसे दोस्तों की नेचर है कि हमेशा हर एक को इसने बांटा ही है, तो चाहे वो मोहब्बत हो, रिस्क हो, इज्जत हो, हमेशा बांटने से ही बढ़ती है। और दोस्तों साहब को हम सलाम करते हैं, रजाक भाई को भी सलाम करते हैं कि इन्होंने हमें टाइम दिया, बहुत कीमती टाइम। वीडियो लंबी हो गई लेकिन मेरा ख़त्म करने का भी दिल नहीं कर रहा। रजाक भाई बहुत कीमती जो वीडियोस, जो व्यूज़ हैं वो हमें बता रहे हैं, और इसकी हिस्ट्री जो है वो भी बता रहे हैं। अच्छा एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, अभी जहन में आ गया, दोस्तों साहब आप भी आ जाएं, आपकी तो अल्फाज सुनने को हम तरस गए, आप कुछ कुछ बोलते ही नहीं है। अच्छा इसका कहते हैं लैक्टेशन पीरियड, जो दूध का जो टाइम है वो इसका बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा है। ले ये आप एतवार करेंगे, इसकी माँ जो है वो प्रेग्नेंट है। जी जी, मेरे ख्याल में 7-8 महीने की है, लेकिन ये आज भी मैं 2 दिन पहले गया था, ये अपनी माँ को जो है ना वो दूध पी रही थी माँ से। तो ये बिल्कुल सही है कि वो 8 महीने तक जो है दूध नहीं दुखाती। बिल्कुल 8 महीने दूध, इसकी जब माँ मेरे पास थी ना, वो जब अपनी माँ को से दूध लेती थी तो इतनी बड़ी थी, लोग हैरान हो जाते, भैंस को जो है ना वो दूध पिला रही है, दूध पिला रही है। सही सही, ये अभी तक दूध पी रही है अपने माँ के। सही सही। अच्छा इसका एक और मैक्सिमम जो दोस्तों के पास नस्ल है, ये दूध कितना देती है, इनके पास मैक्सिमम कितना दिन का दूध आया इनके पास? ये तो पहले तो ये है कि दोस्तों की भैंसें जो है ना वो दूध की बहुत अच्छी है, ये दूध का काम नहीं करता, ये पहले तो छोड़ते हैं अपने उस बछड़े को, वो पी के फिर जो छोड़ता है फिर वो ये निकालता है। नहीं वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि इस नस्ल के अंदर दो टाइम पे ना 7-8 किलो, यानी 7 से 8 किलो, 16-17 किलो जो है ना सुबह शाम 16-17 किलो, 20 किलो तक 22 किलो तक भी इसकी भैंसें। अच्छा माशाल्लाह। दोस्तों साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक बार दोबारा हम आपको सलाम कहते हैं, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको उनके तरफ से सलाम आपको करते हैं। आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें, इतने बड़े जो मजमा आज मेला हो रहा था उसमें से हमें कीमती 20 मिनट दिए। हाजी साहब का शुक्रिया, रजाक भाई का शुक्रिया, इंशाल्लाह आपके मान में अल्लाह बरकत दे, और बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मच। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों की जो कम्प्लीट माल है वो हम आपको इनके जो फार्म है वहाँ पे जाके आपको ज़रूर जो है इनसे मुलाकात कराएंगे, और इनका जो टोटल माल है वो भी आपको दिखाएंगे। और कुंडी में जो आपको मैंने बताया, जैसे ही कुंडी में नाम लगा देना। अच्छा अल्लाह रखा भी हमारे साथ मौजूद है, ये भी इनकी दोस्तों की जो है बिल्कुल अल्लाह रखा भी इनकी जो है वैसे संभालता है, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह इनको इज्जत दे और इनकी रिस्क रोजी में इजाफा करे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।